सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल निमिजी नेट पर। दोस्तों आज हम हायर एजुकेशन का टॉपिक करने वाले हैं। देखिए पहले इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आते थे और अब की बार इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे वो हम अच्छे से नहीं कह सकते, क्योंकि पहले क्या था कि हायर एजुकेशन के साथ में पॉलिटी का टॉपिक भी ऐड था, लेकिन ऐड तो अभी भी है वो, और दिसंबर 2018 में और जून 2019 के अंदर पॉलिटी से क्वेश्चन बहुत कम आए थे, ना के बराबर क्वेश्चन आए थे, उनमें से बिल्कुल ना के बराबर क्वेश्चन आए थे। तो इस हिसाब से हम नहीं कह सकते कि हायर एजुकेशन में अब भी पहले की तरह 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे या 5 क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे ये हम अच्छे से नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन हायर एजुकेशन में अब की बार कुछ टॉपिक ऐड हुए हैं नए सिलेबस के अंदर, तो हमें इन सभी टॉपिक को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम प्राचीन भारत में शिक्षा और अंग्रेज़ों के टाइम में किस तरह से हमारी शिक्षा होती थी उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों हमने NDA UGC नेट दिसंबर 2019 एग्ज़ाम के लिए एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। इस ग्रुप में हम आपको दोस्तों सिस्टमैटिक ढंग से स्टडी करवाएंगे। इस ग्रुप में आपको हर रोज़ 2 वीडियो मिलेगी, सुबह की जो वीडियो होगी वो थ्योरेटिकल होगी और शाम की जो वीडियो होगी उसमें हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे और उनका मॉक टेस्ट भी लेंगे। इस ग्रुप में आपको दोस्तों 10 यूनिट के PDF स्टडी नोट्स दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको 2012 से लेकर 2019 तक टॉपिक वाइज ओल्ड पेपर PDF दी जाएगी और इसके साथ साथ आपको हर यूनिट में मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन की PDF दी जाएगी। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और अपनी स्टडी अच्छे से कीजिए। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं प्राचीन भारत में शिक्षा, यानी कि पुराने समय में हमारी शिक्षा किस तरह से होती थी राजा महाराजाओं के टाइम में। देखिए उस टाइम जो ज़्यादातर शिक्षा होती थी वो गुरुकुल के अंदर होती थी। गुरुकुल क्या होता था हम देख लेते हैं। एक ऐसे विद्यालय जहाँ विद्यार्थी अपने परिवार से दूर रहकर गुरु के परिवार का हिस्सा बनकर शिक्षा प्राप्त करते थे। दोस्तों पहले क्या होता था कि जो बच्चे थे वो जो टीचर है उसी के पास में रहते थे, गुरुकुल होता था, एक जैसे विद्यालय कह सकते हैं हम, वहीं पे वो रहते थे, वहीं खाते पीते उठते बैठते सोते जागते सब कुछ वो वहीं पर करते थे और वहाँ पर अपनी शिक्षा ग्रहण करते थे। और वहाँ पर क्या था दोस्तों, वो लोग क्या है कि 10-10 साल 8-8 साल पता नहीं कितने कितने साल वहाँ पे रहते थे अपनी शिक्षा के अनुसार। और आज के टाइम में देखें तो उनको हॉस्टल हम मान लेते हैं, हॉस्टल में रहते लोग कॉलेज वगैरह में रह के वहीं स्टडी करते हैं। लेकिन उनकी शिक्षा में और आज की जो शिक्षा है वो काफ़ी डिफरेंस है। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी आ गई है और इसमें देखिए इसमें और क्या है, भारत के प्राचीन इतिहास में ऐसे विश्वविद्यालय का बहुत महत्व था। प्रसिद्ध आचार्यों के गुरुकुल में पढ़े हुए छात्रों का सब जगह बहुत सम्मान होता था। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं दोस्तों क्या था, कैसे था और किन किन ने शिक्षा ली। और इसमें जो कुछ ध्यान देने वाली बात है जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं वो ये है कि प्राचीन भारत के गुरुकुल के अंतर्गत 3 प्रकार की शिक्षा संस्थाएँ थी। क्या थी वो देखते हैं हम। एक था गुरुकुल, जहाँ विद्यार्थी आश्रम में गुरु के साथ रहकर विद्या अध्ययन करते थे। फिर अब परिषद, जहाँ विशेषज्ञों द्वारा शिक्षा दी जाती थी, यहाँ पे उनको रहने की आवश्यकता नहीं थी। और उसके बाद में है तपस्थली, जहाँ बड़े बड़े सम्मेलन होते थे और सभाओं तथा प्रवचनों से ज्ञान अर्जन होता था, ठीक है। और उसके बाद में एक और भी कई चीज़ें हैं जैसे गुरुकुल के अंदर, इसके अंदर क्या है कि भारत के गुरुकुल आश्रमों के आचार्य को उपाध्याय और प्रधान आचार्य को कुलपति या महाउपाध्याय कहा जाता था, ठीक है। ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान में रखना ज़रूरी है, हो सकता है इसमें से क्वेश्चन आ जाए। और उसके बाद में जैसे गुरुकुल में किस प्रकार छात्रों को विभाजित किया जाता था ये भी हम देख लेते हैं। वासु, जिन्हें वासु कहा जाता था, वो क्या होता था, 24 साल की उम्र तक जो शिक्षा प्राप्त करते थे उन्हें हम वासु कहते थे। उसके बाद जो 36 साल की उम्र तक शिक्षा प्राप्त करते थे उनको हम रुद्र कहते थे। और फिर आदित्य, 48 साल तक की शिक्षा प्राप्त करने वाले को आदित्य कहा जाता था। तो दोस्तों ये कुछ मेन पॉइंट है, शायद यहाँ से कोई क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि ये जो गुरुकुल का टॉपिक है ये अभी नया ऐड हुआ है। एंशिएंट इंडिया के अंदर किस तरह से शिक्षा होती थी उसके बारे में टॉपिक ऐड हुआ है, तो यहाँ से आप बेसिक चीज़ पढ़ सकते हैं गुरुकुल के बारे में।
और अब बात करते दोस्तों अंग्रेज़ों के समय में भारत में शिक्षा किस तरह से थी और उस दौरान क्या क्या समिति वगैरह क्या बना, क्या कॉलेज बने, उनके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, अंग्रेज़ों के द्वारा भारत में शिक्षा के विकास की शुरुआत 1781 में वारेन हेस्टिंगन के द्वारा कलकत्ता मदरसे की स्थापना से हुई। ठीक है, यहाँ ही है। इसका उद्देश्य मुस्लिम कानूनों तथा इससे संबंधित अन्य विषयों की शिक्षा देना था। इसके उपरांत 1791 में जोनाथन डक्कन के प्रयासों से बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य हिंदी विधि का दर्शन का अध्ययन करना था। ठीक है, और उसके बाद में जैसे और भी काफ़ी चीज़ें हैं दोस्तों, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में हिंदी में यहाँ पे दिया हुआ है। इनमें जो मेन मेन बातें हैं वो आप याद रख सकते हैं कि जैसे सबसे पहले कौन से कॉलेज की स्थापना हुई थी और उन जो कॉलेज हुए थे उनमें क्या किस तरह की शिक्षा दी जाती थी, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों हमारे पास आता है चार्टर अधिनियम आता है, इसमें से क्वेश्चन आए हैं पहले, अलग एग्ज़ाम के अंदर आए, UGC नेट में तो नहीं आए लेकिन फिर भी हमें करना ज़रूरी है। इसका मतलब क्या था दोस्तों, वैज्ञानिक ज्ञान का प्रसार करना था इस चार्टर अधिनियम का। ईसाई मशीनरियों को देश में अपने धर्म का प्रचार करने की अनुमति दी गई थी। देखिए, अंग्रेज़ लोग जब आए थे शिक्षा लेके हमारे पास, तो उनका एक मकसद था, वो था कि अपने जो ईसाई मशीनरी है यानी कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, और प्लस में उनको जो लोग चाहिए काम करने के लिए लोग चाहिए थे, इसलिए वो शिक्षा देना चाहते थे, ना कि रियल में हमें शिक्षित नहीं करना चाहते थे। और 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज स्थापित किया गया। उसके बाद 1855 में प्रेजिडेंसी कॉलेज बना, जो 2010 में प्रेजिडेंसी विश्वविद्यालय बन गया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। आगे दोस्तों हमारे पास लॉर्ड मैकाले की शिक्षा प्रणाली 1835 में, यह भारत में शिक्षा प्रणाली की स्थापना का एक प्रयास था, जिसमें समाज को केवल उच्च वर्ग को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करने की बात कही गई थी। इसमें कहा गया था कि जो समाज के उच्च वर्ग के लोग हैं केवल उन्हीं को अंग्रेजी शिक्षा देनी चाहिए, और फारसी की जगह अंग्रेजी को न्यायालयों की भाषा बना दिया गया। और क्या था दोस्तों कि इसके अंदर जो अंग्रेज़ी पे बहुत ज़्यादा जोर देने लग गए, और जो लैंग्वेज थी फारसी थी उर्दू थी उनको बहुत कम कर दिया गया। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि किस शिक्षा प्रणाली के अंदर अंग्रेज़ी शिक्षा पर बहुत जोर दिया गया था और फारसी की जगह न्यायालयों में अंग्रेजी शिक्षा को बदला गया था। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, थोड़ा आप देख लेना दोस्तों, यहाँ पर कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये हिंदी में दिया हुआ है। और उसके बाद है दोस्तों वुड डिस्पैच 1854 के अंदर, इसे भारत में अंग्रेजी का शिक्षा का मैग्ना कार्ट भी कहा जाता है। इसमें जनता में शिक्षा के प्रसार की जिम्मेवारी राज्य को सौंपने की बात कही थी। इसमें कहा गया था कि शिक्षा का जो प्रसार है वो राज्य द्वारा करना चाहिए, उसके भी अधिकार होने चाहिए। और इसके अंदर जैसे और क्या है, इसने उच्च शिक्षा हेतु अंग्रेजी माध्यम और स्कूल शिक्षा के लिए देसी भाषा माध्यम की वकालत की। इसने क्या कहा था कि उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन के लिए अंग्रेजी होनी चाहिए, और जो नीची एजुकेशन है, जो बेसिक माध्यमिक एजुकेशन है, उसके लिए हमारी जो देसी भाषा है उनका उपयोग करना चाहिए। यानी कि जो जो कमीशन आयोग वगैरह जो भी बने, समिति बने, तो हर किसी के अपने अपने विचार थे, तो ये हमें थोड़ा ध्यान में रखना ज़रूरी है। और उसके बाद है दोस्तों हंटर आयोग 1882-83 के अंदर, इस आयोग का गठन W.W. हंटर की अध्यक्षता में 1854 में वुड डिस्पैच के तहत विकास की समीक्षा हेतु किया गया था। इसमें जो मुख्य बातें हैं वो देख लेते हैं दोस्तों। इसने प्राथमिक और सेकेंडरी शिक्षा में सुधार व प्रसार में सरकार की भूमिका को महत्व दिया। शिक्षा के नियंत्रण की जिम्मेवारी जिला और म्यूनिसिपल बोर्डों को देने की बात कही गई थी। तो यहाँ पे ये एक दो बातें हैं इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। और उसके बाद में दोस्तों सैंडलर आयोग, अब देखिए इसमें क्या था, इसमें था कि इसके सुझाव क्या थे वो हम देख लेते हैं। 12 वर्षीय स्कूल पाठ्यक्रम, यानी कि इन्होंने 12 सालों के लिए एक स्कूल का पाठ्यक्रम तैयार किया था। 3 वर्षीय डिप्लोमा
3 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम इंटरमीडिएट के बाद और विश्वविद्यालय को केंद्रीकृत प्रणाली के अंदर रखने की बात कही गई थी इसके अंदर। और इसमें क्या कहा गया था दोस्तों, प्रयोगात्मक वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा हेतु सुविधाओं में वृद्धि, शिक्षकों के प्रशिक्षण और महिला शिक्षा का सुझाव दिया गया था। अब ये भी आ सकता है दोस्तों, महिला शिक्षा का सुझाव किस आयोग के अंदर दिया गया था सबसे पहले, तो वो है दोस्तों सैंडलर आयोग। और आगे है दोस्तों, आगे हमारे पास हर्टोग आयोग 1929 के अंदर, इसके अंदर क्या कहा गया था कि शिक्षण संस्थानों के अंधाधुंध वृद्धि के कारण शिक्षा स्तर में आई गिरावट की समीक्षा करने के लिए फिलिप हर्टोग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति के क्या क्या सुझाव थे वो हम देख लेते हैं। इसमें कहा गया था कि समिति ने प्राथमिक शिक्षा के महत्व पर बल दिया था, इसने क्या था प्राथमिक शिक्षा जो होती है उस पर ज़्यादा बल दिया था, लेकिन अनिवार्यता या शीघ्र प्रसार को अनुचित बताया था। और इसने कहा था कि वो थोड़ी इम्पोर्टेंट होनी चाहिए लेकिन अनिवार्य नहीं होनी चाहिए, सभी के लिए मजबूरी नहीं करनी चाहिए कि ये आपको करनी ही करनी है। और उसके बाद इन्होंने कहा था केवल समर्पित विद्यार्थियों को ही उच्चतर एवं उच्च शिक्षा के लिए पढ़ने की अनुमति देनी चाहिए। और उसके बाद था जैसे कि जबकि सामान्य स्तर के विद्यार्थियों को 8वीं कक्षा के पश्चात व्यावसायिक कार्यक्रम में दाखिला लेनी चाहिए। इसने कहा था कि जो केवल जो विद्यार्थी सीरियस है पढ़ने के लिए तो उनको ही केवल उच्च शिक्षा लेनी चाहिए, और जो विद्यार्थी सामान्य है नॉर्मल है उनको 8वीं कक्षा के बाद व्यावसायिक शिक्षा लेनी चाहिए जिससे वो अपना रोज़गार चला सके। ये बात भी इसकी सही थी। और उसके बाद दोस्तों मूल शिक्षा की वर्धा योजना 1937 के अंदर आई थी, इसके अंदर क्या था, इसके अंदर था कि मूल उद्देश्य इसका क्या था, गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करना था। इसका उद्देश्य था कि जो लोगों को स्टूडेंट को प्रैक्टिकली ज़्यादा सिखाया जाए उससे उनको ज़्यादा अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी। पाठ्यक्रम के आधार दस्तकारी को सम्मिलित किया जाए, यानी कि जो हमारा शिक्षा थी उसके अंदर दस्तकारी को शामिल किया जाए ताकि लोग हाथ के द्वारा अपना कोई काम करके अपना अच्छा रोज़गार प्राप्त कर सके। और उसके बाद था राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के प्रथम 7 वर्ष निःशुल्क एवं अनिवार्य होने चाहिए, यानी कि इसने कहा था कि जब हम शिक्षा लेते हैं तो 7 साल तक हमारी शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क, यानी कि फ्री और अनिवार्य होनी चाहिए। और उसके बाद में क्या था कि शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए, कि यानी कि जो 7 साल तक हम शिक्षा लेंगे शुरू के वो हमारी मातृभाषा में होनी चाहिए। कक्षा 2 से 7 तक की शिक्षा का माध्यम हिंदी होना चाहिए। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा कक्षा 8 के पश्चात ही देनी चाहिए। ये सभी किसके सुझाव थे दोस्तों, ये थे हमारे मूल शिक्षा की वर्धा योजना 1937 के सुझाव थे। और उसके बाद में जैसे इसके अंदर प्रवेश के नियम अत्यंत कठोर होने चाहिए, किस में होने चाहिए, विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए विश्वविद्यालय प्रवेश के नियम अत्यंत कठोर होने चाहिए। यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों विश्वविद्यालयों में एडमिशन लेने की जो प्रक्रिया थी वो कहीं ना कहीं कठोर होती हुई जा रही थी, हमने 2-3 बार ये चीज़ पढ़ ली है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के अंग्रेज़ों के टाइम में चलने वाले कुछ समिति, कुछ आयोग, कुछ अधिनियम जो शिक्षा पर लागू हुए थे। तो दोस्तों आप एक बार दोबारा इन सभी को पढ़ सकते हैं, आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं, मे बी इनमें से 1-2 क्वेश्चन आने की संभावना है, शायद इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाए, तो प्लीज़ आप एक बार इसको पढ़ना ज़रूर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।